आलोक जी, आप दोनों ने आईआईटी से अपनी डिग्री करी है। अब ये सेकंड क्वेश्चन छात्रों का यही रहता है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, वो अंग्रेजी माध्यम से करी थी, चाहे किसी भी कॉलेज से करी हो, उसके बाद जब वो तैयारी के लिए आते हैं तो कई मैसेजेस ऐसे आते हैं कि अब तैयारी किस में करें सर, हिंदी माध्यम से करें या इंग्लिश में जो 4 साल से पढ़ा है उसी को थोड़ा सुधारें। उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, आप लोगों ने कैसे उसको डिसाइड किया कि हमें हिंदी माध्यम से देना है पेपर? सर मैं देखूँ तो सुनील है, मैं हूँ, दोनों के साथ ऐसे हमने शुरुआती एजुकेशन हिंदी में की थी। कॉलेज गए तो काफ़ी दिक्कतें हुई, तो दिक्कतें हुई पर हमारा थोड़ा माइंडसेट था ही शुरू में कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, और मुझे तो इवन ये पता था यूपीएससी की तैयारी हिंदी में होती है, पर प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी कि हिंदी माध्यम में कम सिलेक्शन होता है। तो मुझे लगता था हिंदी में तैयारी कर सकते हैं, हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मैं एग्ज़ाम दूंगा और निकल जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में रहता था। ये नहीं पता था कि टफ होने वाला है, पर पॉजिटिव उम्मीद थी कि हिंदी में लेंगे निकल जाएंगे। तो हमारे बीच में जो दुविधा थी कि हिंदी लें इंग्लिश लें, बाद में हमें पता पड़ने लगा कि इंग्लिश से हिंदी से काफ़ी टफ हो जाता है जैसे जैसे हम कॉलेज पास होने वाले थे। तो जब ज़्यादा टफ हो जाता है तो हमें दुविधा आई कि इंग्लिश में दें या हिंदी में दें। तो हमने काफ़ी सोच विचार करके हमें लगा कि हमारा मन हिंदी की तरफ है, तो हमने हिंदी में गए। लेकिन अब जैसा कि लगता है, जैसा कि फैक्ट्स हैं कि हिंदी में निकालना बहुत मुश्किल है, काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करना चाहिए कि अगर आपने एजुकेशन अपना बैचलर ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है तो थोड़ा सा इंग्लिश को बेहतर करें और इंग्लिश में स्विच करें, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन। आईआईटी के बाद में आदमी खिचड़ी बन जाता है अगर देखा जाए तो, वो ना तो अंग्रेजी का रह पाता है ना हिंदी का रह पाता है, लास्ट में लगता है कि मुझे इंग्लिश भी इतनी आती है हिंदी भी इतनी आती है, तो आपको वहाँ पर निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला तो ये कोशिश मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी भी बेटर हिंदी से, अगर आप ठीक ठाक आंसर लिख ले रहे हो तो आपको इंग्लिश मीडियम से जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपकी इंग्लिश में कि आप इंग्लिश में इमोशनल नहीं हो पा रहे हो, चीज़ें लिख नहीं पा रहे हो, अगर आपकी राइटिंग स्किल इंग्लिश में बेटर हो तो आप इंग्लिश में मत जाना बिल्कुल भी। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी निकालने के लिए आंसर राइटिंग और मेंस का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर आप वहाँ पे ही नहीं कर पाए, आपने प्रीलिम्स निकाल लिया इंग्लिश मीडियम से लेकिन आप मेंस में अटक गए जाके। मेरे 2-4 दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मेडिकल से किए हैं, उन्होंने इंग्लिश मीडियम ले लिया। मैंने उनको देखा कि उनकी आंसर राइटिंग स्किल हिंदी में बहुत अच्छी है, वो प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिए लेकिन इंग्लिश में मेंस में आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से उनके एसे में मार्क्स नहीं आ पाते, एथिक्स में नहीं आ पाते। इसलिए अगर आपकी आंसर राइटिंग बेटर है तो आप इंग्लिश के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंसर राइटिंग हिंदी में इंग्लिश से बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, तो आप इंग्लिश में मटेरियल पढ़ लीजिए और हिंदी में आंसर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आप सिलेक्शन लेना आपका उद्देश्य है, ना कि नॉलेज प्राप्त करना वहाँ पर। तो मेरा ये बात मानना है कि अगर आपको लिटमस टेस्ट पेपर अगर करना पड़े तो वहाँ पे ये करना चाहिए कि आप बैठ के 10-15 दिन थोड़ा पढ़िए दोनों भाषा में, उसके बाद में क्वेश्चन उठाइए, उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कि मैं इंग्लिश में कैसे लिख पा रहा हूँ, हिंदी में कैसे लिख पा रहा हूँ, दोनों में लिख के देखिए और अपने किसी थर्ड पर्सन को चेक करवाइए अगर वो कैसा सुझाव दे रहा है, आपको अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है, कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा आ रहा है, वो लैंग्वेज वो मीडियम आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, ये फैक्ट है, फैक्ट को नकार नहीं सकते। और जो यूपीएससी का सिस्टम है उसमें हम बदलाव कर नहीं सकते, जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम उसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी बातों को ध्यान रखो कि मेरा भला किस में है, फाइनली मुझे कहाँ सिलेक्शन ज़्यादा मिलने के चांस है, वही मीडियम आपको अपनाना चाहिए। जैसे इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा 12th तक जो एजुकेशन हुआ वो हिंदी मीडियम में था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था एग्रीकल्चर में, तो वो पूरी तरह 4 साल मेरा इंग्लिश मीडियम रहा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरा था वो भी इंग्लिश में रहा। तो बाद में मेरे सामने ये था कि कौन सा अपन चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो फिर मैंने ये देखा कि जो एक पकड़ है मेरी भाषा में वो है हिंदी। लेकिन मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि यूपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो केवल हिंदी जानना पर्याप्त नहीं है, जब तक आपको बेहतर तरीके से इंग्लिश नहीं आएगी तब तक आप सिलेक्शन लेने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप प्री में जब पेपर दोगे तो आपको अगेन वहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन दोनों को देखना पड़ेगा, मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल रहता है जिसको कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में टैली करना रहता है। फिर मैं एक और आपको कहूँगा कि जैसे मैंने मेरे GS पेपर पूरे वो हिंदी में दिए थे, मैंने मेरा ऑप्शनल जो था एग्रीकल्चर अगर मैं उसको हिंदी में लिखता तो बहुत टफ था,
तो मैंने उसको इंग्लिश में लिखा। अगेन जो मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस था वो पूरा इंग्लिश में होता है, तो मैंने उसको इंग्लिश में दिया, मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ और मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा। उसमें मैंने इंटरव्यू नहीं दिया उसका, क्योंकि इधर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों भाषाओं पर जब तक आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको टफ लगेगा यहाँ पर सिलेक्शन लेना। तो दोनों भाषाओं में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, सिलेक्शन के बाद में भी आपको हमारी देश की जो राजभाषा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में काफ़ी काम करना पड़ता है। तो एक इंग्लिश का जो वर्किंग नॉलेज है फिर भी आपको चाहिए होता है, तो क्यों ना इस वर्किंग नॉलेज को पहले ही डेवलप कर लिया जाए, ताकि बाद में समस्या ना हो और पहले भी आपकी तैयारी में भी हेल्प मिले। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी जानकार मैंने देखे हैं जो मेंस का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें काफ़ी लोग अटक जाते हैं। तो अगर वर्किंग नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे समझ पाओगे, प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, आप पैसेज वगैरह अच्छे से पढ़ लोगे और साथ में मेंस में जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको भी अच्छे से कर लोगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश को आपको बिल्कुल बाधा के तौर पर नहीं देखना, इंग्लिश को एक चुनौती मानना और उसको पार करना है कि मुझे इंग्लिश को पार करके और अच्छा इंग्लिश बनाना है। क्योंकि इंग्लिश आज का ग्लोबलाइजेशन का दौर है, देखिए इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते हो, तो सच्चाई है उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो आपको कल करना पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश के जो ग्रामर है, बेसिक्स है, आपका जो बेसिक वोकैबुलरी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बेसिक्स आपका अच्छा होगा तो आप आराम से उसको चुनौती को पार कर सकते हो। तो आनंद जी, आपने कैसे डिसाइड किया था हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम? नहीं, मेरा तो हिंदी मीडियम, मैंने 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में की, फिर ग्रेजुएशन में मैं BHU में गया, वहाँ मैंने हिस्ट्री जो है ऑनर्स सेलेक्ट किया, तो हिस्ट्री उसकी भी पढ़ाई मैंने जो है हिंदी मीडियम में ही की। तो मेरे पास मतलब ये था कि मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक मैं लिख पढ़ लेता था, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ जैसा सुनील ने कहा, वो हिंदी में मैं अच्छा व्यक्त कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम चुना। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है, मतलब इवन ये नहीं कि आप बस लिख थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, अगर ठीक ठाक है तो ही आपको UPSC में इस तरह के प्रयोग करनी चाहिए। क्योंकि UPSC ऐसा एग्जाम है जहां आप, चलिए GS के आंसर हैं जिसमें आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बट SC एक ऐसा पेपर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वहां आपकी ग्रामर की नॉलेज, आपकी वोकेबुलरी ये सब काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे। इवन इथिक्स का पेपर हुआ या ऑप्शनल का पेपर हुआ, उसमें भी आपको बहुत से मतलब डेप्थ की ज़रूरत होगी। तो अगर आप जिस भाषा में सरल हैं उसी भाषा को आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि UPSC मुझे, अगर आप प्रयोग करने बैठ गए तो हो सकता है कि आपका 3 साल 4 साल 5 साल निकल जाए, और ये जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो आपको वहाँ पर, मुझे लगता है कि अगर आप एक ठीक ठाक स्तर तक अंग्रेजी जहाँ आप क्वालिफाइंग क्लियर कर ले जाएँ वो तो ज़रूरी है, बट उसके बाद आपको अपनी भाषा को सुधारने के बजाय आपको अपने कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि मेरी ग्रेजुएशन में मेरी यही समझ विकसित हुई कि मुझे लगा कि मैं अगर कंटेंट पे अपने ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो शायद मैं UPSC में अच्छा कर ले जाऊँगा, ना कि भाषा के स्तर पर, और भाषा तो सीख ही जा सकती, बाद में भी सीख लेंगे। तो मेरे लिए तो इसने वर्क किया, मैंने हिंदी में ही पूरा एग्ज़ाम लिखा और हिंदी में मैंने ग्रेजुएशन किया, सब कुछ सारा मेरा मटेरियल भी हिंदी में था, जिसमें मुझे GS और ऑप्शनल के पेपर्स में तो बहुत ही अच्छे नंबर मिले। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ और आंसर राइटिंग का जो तरीका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अगर आपका अच्छा है, साइंटिफिक है, UPSC की डिमांड के अनुकूल है, फिर आप किसी भी माध्यम में जा सकते हैं। थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, जैसा कि सुनील ने कहा, वो रिक्वायर्ड। देखिए, भाषा ही सब कुछ नहीं होती, भाषा के अलावा उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपका क्या है। जैसे आनंद ने पहले बताया था कि आपको पॉइंटर फॉर्म में, आपको GS में उसमें लिखना पड़ता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आपको कहानी बिल्ड नहीं करनी होती। मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स की कॉपी देखी है, वो कहानी बिल्ड करने पे हमेशा कहानी बिल्ड करने लग जाता है, GS का पेपर हो, एथिक्स का पेपर हो, आप कॉलेज से आदत ही, कॉलेज से आदत है कि आपको कॉपी के पन्ने भरने, जितने वेट होगा उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरे साथ एक एडवांटेज ये है कि मेरे आसपास के दोस्त थे वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के थे, और मैंने उनसे बहुत सीखा ऑब्जर्व करके कि यार ये लोग कैसे आंसर लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स में ऐसा क्या है कि वो कर पा रहे हैं। कंटेंट वही रहता था लेकिन उसको पेश करने का जो तरीका है वो उनका अलग रहता था। मैं काफ़ी उससे प्रभावित हुआ और मैंने धीरे धीरे अपनी राइटिंग स्किल में हिंदी में ही वो पॉइंटर फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बेटर हुआ और चीज़ें आसान हो गई। देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो ब्रेन है वो सेम ही होता है, ऑलमोस्ट IQ लेवल लगभग सेम है, लेकिन कई बार वो भटकाव के चक्कर में, अच्छे गाइडेंस के भाव में, वो क्या होता है कि उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाता कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। नॉलेज उनके पास बहुत होता है
लेकिन वो उसी 3 घंटे में उस पेपर को प्रेजेंट करने में पीछे रह जाते हैं और फिर मार्क्स उनको आ नहीं पाते। और UPSC तो एक एक नंबर का खेल है, देखिए एक नंबर पर आपकी 10 रैंक जाती है, 10 नंबर आते 100 रैंक, 40-50 नंबर होते हैं आप लिस्ट से बाहर। तो बस ये 40-50, देखिए 8 पेपर होते हैं, मैं एक गणित आपको समझाऊँ, 7 पेपर जिसमें नंबर जुड़ते हैं 7 पेपर होते हैं। अगर आप एक पेपर में 4 नंबर गवा दिए, 20 सवाल होते हैं, 0.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.25 मार्क्स हर क्वेश्चन में आपको लूज कर रहे हो, तो 4-5 नंबर आप हर पेपर में लूज कर जाओगे, 30-35 नंबर लूज करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, एक एक नंबर का इम्पोर्टेंस आपको समझना होगा, तभी जाके ये मुझे बहुत पता है कि कैसे 10-10 नंबर से मेरा IAS हमेशा रुक जाता था, IPS में अटक गए। फाइनली जब मेरा GS अच्छा हुआ, SA भी अच्छा हुआ, सारी चीज़ें बढ़िया हुई, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए, वो एक एक नंबर जुड़ के ही आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आंसर राइटिंग के बारे में मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने किया, मुझे लगता है कि जैसे अगर आप जो सोर्सेस अपने पढ़ रहे हैं उनका आपका आपने नोट्स बना लिया ठीक से, उसको आपने तैयार कर लिया, एक जो आपका मिनिमम लेवल है वो आ गया। उसके बाद जो मैंने किया, मैंने ये किया कि जैसे सुनील ने बताया कि इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर्स हैं और हिंदी मीडियम के भी टॉपर्स, दोनों की कॉपीज को मैंने खूब सारी उनकी पढ़ाई की, जो उन्होंने आंसर लिखा बहुत सारी कोचिंग पे आपको मिल जाएगा, तो उनको मैं डाउनलोड कर लेता और उनकी मतलब रेगुलर बेसिस पे मैं 1.5-2 घंटे रोज़ उनके आंसर्स पढ़ता था। और कई सारे आंसर जो मैंने UPSC में भी फ्रेम किए वो कहीं ना कहीं उसी बेसिस पे होते थे, कि जैसे मुझे अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन मेरा 2-2.5 लाइन, इससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं लिखता था, कि वो जो मेन क्रक्स है आपको उसका जो कोर आइडिया है वो मैं इंट्रोडक्शन में बता देता था। कोई फैक्ट अगर एक है उस फैक्ट, क्योंकि सेकंड और थर्ड पेपर में कई बार फैक्ट्स बहुत यूज होते हैं, फैक्ट को डाल देता। और फर्स्ट और फोर्थ पेपर के लिए मैं ये करता था कि जैसे इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में भी जैसे कोई फ्रेज है, उस फ्रेज का जैसे आप ये कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ठीक, अंत्योदय से सर्वोदय की जो भावना है कि एक अंतिम आदमी को हम उठा करके कहाँ पहुँचा सकते हैं, सर्वोदय गांधी जी की भावना है, या जो गांधी जी के 7 पाप हैं उन सब चीज़ों को, या सबका साथ सबका विकास है, सर्वे भवन्ति सुखना है, ठीक, एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति, कि सत्य एक ही है, जानकार लोग उसे अलग अलग तरह से बोलते हैं, तो इन सब तरह की जो चीज़ें थी, या बहुत सारी मैं पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री में भी मैंने पढ़ रखा था, ग्रेजुएशन में मेरा पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो उसमें भी पढ़ रखा था, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे अशोक की फिलॉसफी है, महात्मा बुद्ध की जो लर्निंग्स हैं, उन चीज़ों को मैं इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में डालता ही डालता था। तो उससे क्या होता है कि जब शुरुआत में हमने बात की कि जब आप कॉलेज में रहते हैं तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए, तो उसका जो आपका इम्पैक्ट आता है आंसर में वो एक डाइवर्सिफाइड आंसर आपका बनता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आपका आंसर जितना विविध होगा, जितने एंगल से आपने उसमें पॉइंट्स को डाला होगा और लिखा होगा, मुझे लगता है कि एग्जामिनर को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगर आप उस पॉइंट को लिख करके अपनी बात को छोड़ दे रहे हैं तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा, क्योंकि 150 शब्द और 250 शब्द में हमारे पास उतना स्कोप नहीं है। तो जो मेन आइडिया है, कोर आइडिया है, वहाँ पर हमें ज़रूर हिट करना चाहिए। और ऐसी टैक्टिक्स जो मुझे लगता मैंने अपनाई, ऐसी लोगों को अपनानी चाहिए, तो फिर वो GS में बढ़िया, मतलब ऑप्शनल में भी ये किया जा सकता है, GS और ऑप्शनल में बढ़िया आप कर सकते हैं। कभी कभी तो एस्पिरेंट्स कहानी ऐसे घुमाते रहते हैं, जब तक वो पॉइंट पर पहुँचेंगे उनके पास स्पेस खत्म हो चुका होता है, टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए लास्ट में आंसर लिख ही नहीं पाते। और एग्जामिनर क्या देखा कि यार ये कहानी बना रहा है, जब आंसर जो डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड, वो कब सेटिस्फाई होगी। इसलिए क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी क्वेश्चन की डिमांड तक पहुंचा जाए, उसको सेटिस्फाई किया जाए। क्वेश्चन में मान लो कि अगर 4 पार्ट होते हैं, अब 2 पार्ट का आंसर लिख दिया, पता चला आंसर जो सीट है उसकी स्पेस खत्म हो गया, क्योंकि असल क्या होता है UPSC में कि हर क्वेश्चन के साथ फिक्स स्पेस आता है, इसलिए अगर आपने शुरुआत में वेस्ट कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और आपको तैयारी के दौरान एक स्किल ये विकसित करना चाहिए कि क्वेश्चन की जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो पहले पेपर पे बनाना सीखिए आप धीरे धीरे, कि मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, और फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना स्ट्रक्चर को बनाने की, तो लास्ट में आप एग्जाम में माइंड में स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्वेश्चन देखते ही कि मुझे इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका आएगा। तो आप जितना हो सके आंसर लिखिए, और मुझे लगता है प्रहलाद शायद इसके बारे में और भी अच्छा आंसर दे पाएगा। अच्छा, इससे पहले कि आप मेंस पे और चर्चा करें, मैं उस पे वैसे भी सवाल आपसे पूछूंगा। एक बात जो आपने बताई थी कि आपने इंग्लिश में भी ऑप्शनल को लिखा है, जी,
तो जैसे अभ्यर्थी जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आप बता दीजिए कि क्या माध्यम चेंज हो सकता है। ऑप्शनल में आप अलग माध्यम से लिखे हैं और जीएस में अलग माध्यम से लिखे हैं और इंटरव्यू अलग से दें। जी, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये जो चेंज हुआ है यूपीएससी में 2018 से हुआ है, बिल्कुल, जिसमें आप जीएस के जो पेपर्स है वो किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हो और अपना जो ऑप्शनल है वो किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मैंने जैसे जीएस पूरा अपना हिंदी में लिखा था और ऑप्शनल पेपर मैंने इंग्लिश में लिखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, आपको ऑप्शनल एग्रीकल्चर ही? हाँ जी, मेरा एग्रीकल्चर। तो मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का अपना उसने ऑप्शनल ले रखा है, तो लोग इवन उल्टा भी कर रहे हैं, जैसे कई लोग इंग्लिश मीडियम से जीएस लिख रहे हैं और हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेके हिंदी में लिख रहे हैं पेपर और इंटरव्यू भी हिंदी में दे रहे हैं, तो उल्टा भी संभव है, ऐसे भी संभव कि आप जीएस हिंदी में लिख रहे हो ऑप्शनल को इंग्लिश में। जैसे आपकी मैथ ऑप्शनल है, आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया है, अब मैथ को आप हिंदी में लिखना चाहोगे तो पागल हो जाओगे, लिखते लिखते उसको कितना लिखोगे। मेरा सिविल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग तो मैं कैसे लिखूंगा उसको हिंदी में, लिख ही नहीं सकता, ना तो मटेरियल अवेलेबल है ना ये उसकी भाषा अवेलेबल है। इसलिए आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट टेक्निकल और आप अच्छे उस सब्जेक्ट में, तो मेरा मानना है कि जीएस और एसए को आप हिंदी में लिखिए और बाकी ऑप्शनल को इंग्लिश में लिखिए। अगर आपने ऑप्शनल में मान लो 300 स्कोर कर दिया 500 में, तो आपकी आधी कहानी तो वहीं मतलब सॉल्व हो जाएगी। तो एक ऑप्शनल मैसेज मैं देना चाहता हूँ, हिंदी इंग्लिश की डिबेट में जो छूट गई है, कि चूँकि इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग पेपर होता ही है, वो हिंदी मीडियम वालों को पास करना ही है, तो मैंने जनरली देखा है कि लगभग हिंदी मीडियम के 10% लोग उधर ही फेल हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्हें सीरियस रहना है कि इंग्लिश का पेपर, जो सीरियस स्टूडेंट है सीरियसली मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर पास करना ज़रूरी है। तो सिर्फ जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदी के सोर्स तक ही सीमित ना रहें, जब क्योंकि आप आजकल इंटरनेट का दौर है, अधिकांश चीज़ें हम इंटरनेट से ही पढ़ते हैं, तो और चूँकि इंटरनेट पर कई बार बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल वगैरह मिल जाते हैं, आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं, टॉपिक का नाम डालिए, पीछे यूपीएससी डालिए, तो कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल मिल जाएंगे आपको। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ ही रहे हैं पर इंग्लिश में भी पढ़ना पढ़ते रहें, ताकि जब आप क्वालिफाइंग पेपर की बात आए, इंग्लिश को पास करने की बात आए, तो आप काफ़ी सहज रहें, ना कि उन 10% लोगों में आ जाएं जो कि बिल्कुल फेल होने के। आप इतनी मेहनत करके मेंस तक पहुंचते हो, प्रीलिम्स बहुत मुश्किल है हिंदी मीडियम के लिए, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और इतना मुश्किल से आप मेंस तक पहुँच रहे हो और फिर छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सारा करियर बर्बाद है, उस गलती को कम से कम नहीं दोहराना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी से बिल्कुल दूरी बनाएंगे, बिल्कुल अंग्रेजी भी देखते रहना साथ साथ। अगर अंग्रेजी से दूरी बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उससे बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान, या तो आप जो क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का उसमें रह जाओगे, फर्स्ट आप प्रीलिम्स में ही लटक जाओगे, क्योंकि बहुत सारा बार आपको हेल्प लेनी रहती है, जब आप पैसेज देखते हो तो हिंदी वाले इतने टफ रहते हैं, आपको इंग्लिश देखना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। तो प्री में भी आपको नुकसान, मेंस में बहुत बार क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए, और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स रहती हैं जो हमेशा इंग्लिश में आती है, तो उनकी रिपोर्ट्स का जो भी मेन पॉइंट्स हैं जो कई बार आप मेंस में यूज करते हो, इंटरव्यू के टाइम में यूज करते हो, तो जब तक आप उनको समझ ही नहीं पाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो क्वालिटी है, चाहे मेंस में आंसर राइटिंग हो या इंटरव्यू के टाइम हो, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो फिर वो ये कंपटीशन का टाइम है और कंपटीशन की मतलब टफ कंपटीशन है, तो जब तक आपके आंसर राइटिंग में वो बेहतर क्वालिटीज़ नहीं आएगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं प्रहलाद के आंसर में एक चीज़ और जोड़ दूँ, मतलब यूपीएससी में जैसे मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स में दिक्कत है, मेंस में भी दिक्कत है, पर इंटरव्यू में भी एक चुनौती आ सकती है इंग्लिश को लेके। जैसे कि मेरा जो इस बार का इंटरव्यू था 5th, तो सत्यवती मैम के बोर्ड में था, तो मैम ने बोला कि आप तो इंजीनियरिंग की हो तो इंग्लिश तो आती होगी, तो हम सारे बोर्ड मेंबर आपसे इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दुविधा आ गई कि हम तो हाँ ही बोलेंगे कि मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए। जबकि मीडियम आपने इंग्लिश भरा, हिंदी भरा इंटरव्यू का, तो मैंने मीडियम हिंदी भरा था, तो बोली हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे आप पूरा बोर्ड, आपको आंसर देने में लिबर्टी है कि आप हिंदी में दे सकते हैं इंग्लिश में दे सकते हैं, तो मैंने बोला मैम आप इंग्लिश में पूछिए, मैं हिंदी में आंसर देने का अपना प्रयास करूँगा। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन मुझसे इंग्लिश में पूछे, पूरे 5 बोर्ड मेंबर ने, और मैंने आंसर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दिए। तो मतलब अगर आपको इंग्लिश में अगर कंफर्ट थोड़ा भी पीछे रह जाएगा तो आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी, और इंटरव्यू ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया तो आपके मार्क्स 180 से 130 हो सकते हैं और 50 नंबर का बहुत बड़ा होता है। तो एक बेसिक इंग्लिश मुझे लगता है कि आनी ही चाहिए, चाहे आपको क्वेश्चन पूछते वक्त कम से कम कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ में आ जाए। ब्यूरोक्रेट्स कई बार कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका आप मतलब देखेंगे कि वो मेंस में बहुत अच्छा है,
मतलब वो जीएस के आंसर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, ऑप्शनल बहुत अच्छा लिखते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी मतलब हैं जो एक तो मेरे साथ ही थे, तो उनके कई कुछ सालों में चूँकि इंटरव्यू में उनका नहीं निकला, तो पिछले साल का जो उनका मार्क्स था वो काफ़ी अच्छा था रिकॉर्ड उनका, बट अगले साल क्या हुआ कि इंग्लिश में उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया, और किसी तरह से इंग्लिश वो दो चार मार्क्स से शायद पास हो गए होंगे, दूसरे साल वो इंग्लिश में ही फेल हो गए। तो अब आपके पास ये दुविधा है कि आप सोचिए, आप मेंस मतलब जो भी आपकी नॉलेज है, जो आपका टेस्ट होना है जिसमें आपने इतनी मेहनत की, वो आपका चेक ही नहीं हो पाया, वो पता ही नहीं चल पाया दुनिया को या बोर्ड को या एग्जामिनर को कि आप किस लेवल के हैं, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स को ये करना चाहिए कि जो करंट अफेयर्स, चूँकि हिंदी मीडियम में करंट अफेयर्स की कमी है, तो मुझे लगता है वो एक तरीके से कि वो दोहरा फायदा कर सकता है कि करंट अफेयर्स के बहुत सारे आर्टिकल उनको अंग्रेजी में ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए। ठीक, वो ऑनलाइन अगर अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो उसके उनका करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है, जो कि हिंदी मीडियम में के सोर्सेज में उनको नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही उनकी इंग्लिश की नॉलेज, जो कि उन्होंने वहाँ एस्से में लिखना है इस पेपर में, क्वालिफाइंग पेपर में, या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं, या सिनोनिम्स या उसके जो भी चीज़ें लिखनी हैं, तो उसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन सोर्सेज को आप पढ़ते रहें, एक आधे घंटे आप दे सकते हैं, दो चार आर्टिकल अगर आप हर दिन पढ़ लेंगे तो आप करंट अफेयर्स से जो है रूबरू रहेंगे, और उसके साथ ही आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग भी अच्छा हो जाएगा, और उसका बहुत बड़ा फायदा आपको एस्से के पेपर में। एस्से तो ये मतलब मुझे लगता है ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो सकता है जहां से आप एक फायदा उठा सकते हैं। देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स लेकर आ रही है पाथफाइंडर टीम आपके लिए। इस कोर्स का नाम है पाथफाइंडर अग्निपथ बैच 2। बैच फर्स्ट के बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने एक नया बैच लॉन्च करने की ठानी है, और हिंदी माध्यम के छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम 15 जुलाई से हिंदी माध्यम के लिए बोध बैच लॉन्च कर रहे हैं। दोनों ही बैच पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आएगी। इन दोनों ही बैचेस के लिंक्स और सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करके केवल 8,000 रुपये में इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर। तो देर मत कीजिए, लिंक पर नीचे क्लिक कीजिए।